Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हो अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि आप और आपके घर वाले सदा सलामत रहें और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके सर पे आपके माँ बाप का साया हमेशा से रहे। अब भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो ठीक है, मगर बेल आइकन पर एक मरतबा क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। शुक्रिया। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सरफराज धोखा नहीं देंगे का मफरूजा भी गलत साबित हो गया। सरफराज अहमद सेंचुरियन टेस्ट की दोनों इनिंग्स में बगैर कोई रन बनाए आउट होकर राशिद लतीफ और इम्तियाज अहमद के बाद पेयर हासिल करने वाले तीसरे पाकिस्तानी विकेटकीपर कप्तान हैं। इस टेस्ट में सरफराज धोखा नहीं देंगे का मफरूजा भी गलत साबित हो गया। याद रहे कि क्रिकेट में पेयर हासिल करने का मतलब किसी भी खिलाड़ी को टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सिफर पर आउट होना होता है। जुमेरात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद अपने करियर में पहली बार मैच में पेयर पर आउट हुए। वो चौथे पाकिस्तानी कप्तान हैं जो पेयर पर आउट हुए। हैरान कुन तौर पर इनसे कबल पेयर हासिल करने वाले कप्तानों में दो विकेटकीपर थे। इम्तियाज अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ ढाका, राशिद लतीफ ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में और वकार यूनस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजा में दोनों इनिंग्स में सिफर पर आउट हुए थे। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तानी बैट्समैनों की खराब कारकर्दगी ने कप्तान की मुश्किलात में इजाफा कर दिया, जबकि बहसियत कप्तान खराब बैटिंग फॉर्म ने सरफराज अहमद पर दबाव बढ़ा दिया है। तो दोस्तों ये थी कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से आप भी मायूस हो गए होंगे। क्या आने वाले मैचों में सरफराज धोखा देगा या नहीं, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी न्यू वीडियो आने तक अपने घर वालों का, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत बहुत ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सदा सलामत रहे। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।